वेलकम बैक स्टूडेंट। कल हमने किया था ट्रेसिंग ऑफ द पैराबोला एंड ट्रेसिंग ऑफ द एलिप्स। आज हम करेंगे सॉलिड ज्योमेट्री की फोर्थ एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की, दैट इज़ 1.4। इसमें हम क्या करेंगे आज के चैप्टर में, एक तो हम टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, और हम चेक करेंगे कि एक लाइन है कॉनिक सेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा कितने पॉइंट पर कट कर सकती है। तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा था कि जनरल मतलब सेकेंड डिग्री की इक्वेशन जो है वो एक कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ये वाले 2hxy प्लस में बी वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इज इक्वल टू जीरो। ये हमने देखा था कि सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो है वो एक कोनिक को रिप्रेजेंट करेगी, या फिर कह सकते हैं कोनिक जो है एक सेकेंड डिग्री से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कोड की, कि कोड क्या होती है। कोई भी कॉनिक सेक्शन में भी आपका जो है, जो भी हमने कॉनिक सेक्शन पढ़े हैं, हाइपरबोला हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, सर्कल हो सकता है, ये पैराबोला या जो भी लाइंस हमने देखी थी वो 2 डिग्री से रिप्रेजेंट करने के लिए, यहाँ पर समथिंग ए एच बी और जीरो होंगे, या कुछ और कंडीशन हमने देखी थी कि डेल जीरो होगा समथिंग, हमने कंडीशन देखी थी। मतलब कोड का मीनिंग सबसे पहले हम देखते हैं कि कोड क्या होती है कॉनिक सेक्शन के केस में। तो हमने कोई भी कॉनिक सेक्शन ले लिया, जैसे मे बी पैराबोला, मे बी हाइपरबोला और मे बी इलिप्स। अब हमारे पास क्या है कोड का मीनिंग, इसके कोई भी दो पॉइंट को जॉइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, यानी हमने यहाँ इसका एक पॉइंट लिया P और यहाँ इसका पॉइंट लिया Q, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है दैट इज़ PQ, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कोड कहलाएगा। नेक्स्ट है टेंजेंट एट ए पॉइंट, टेंजेंट एट ए पॉइंट, टेंजेंट एट ए पॉइंट क्या है, मान लो हम Q पॉइंट पर बात करते हैं कि टेंजेंट का मीनिंग क्या है। तो हमने क्या किया, Q पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, Q के नेबरिंग में हमने कोई अनदर पॉइंट ले लिया सपोज P। अब हमने P और Q एक कोड बना ली, कोड बना ली यानी लाइन सेगमेंट है। अब धीरे धीरे हम क्या किया कि P को Q के नज़दीक ले आए, यानी हमारे पास ये लाइन सेगमेंट ये बन जाएगी, P को थोड़ा और नज़दीक ले आए यानी लाइन सेगमेंट ये बन जाएगी, P को थोड़ा और अप्रोच करवा दिया Q की तरफ ये बन जाएगी हमारे पास, और धीरे धीरे दिख रहा है कि जो लाइन सेगमेंट है वो इस तरीके से बनती जाएगी, यानी सिर्फ और सिर्फ इस Q पॉइंट पर टच करेगी, यानी जो ये लाइन सेगमेंट है PQ वो नथिंग बट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टेंजेंट में। तो टेंजेंट क्या होता है, लिमिटिंग केस होता है, लिमिटिंग केस है क्योंकि हम धीरे धीरे P को अप्रोच करवा रहे हैं किसकी तरफ, Q की तरफ। किसका लिमिटिंग अप्रोच होता है, एक आप कोड कह सकते हो या फिर एक लाइन सेगमेंट कह सकते हो जो क्यों की एक नेबरिंग पॉइंट पी लेंगे। तो जैसे जैसे हम पी की तरफ, पी को क्यों की तरफ लेते हुए जाएंगे, तो जो ये लाइन सेगमेंट है वही किस में होती जाएगी, हमारे पास टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट होती जाएगी। तो ये डेफिनेशन थी किसकी, टेंजेंट की। नेक्स्ट है हमारे पास किसकी, नॉर्मल की, नॉर्मल की। अब हम इस पॉइंट Q पर नॉर्मल लाइन की बात करते हैं। तो हमने क्या किया, Q पॉइंट पर, Q पॉइंट पर हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर ली, जैसे कि ये कोनिक था सपोज, और Q पॉइंट पर हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की। तो एक ऐसी लाइन जो इस Q पॉइंट के, जो Q पॉइंट से पास होती हुई टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर हो, तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे, नॉर्मल लाइन कहेंगे। तो क्या है हमारे पास कि नॉर्मल लाइन क्या होता है, कि किसी पॉइंट पर नॉर्मल लाइन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब उस पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन है उसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, नॉर्मल लाइन। अब हम सबसे पहला आर्टिकल करते हैं कि कोई भी लाइन है, मान लो एक लाइन है सपोज x माइनस में x1 बाय में l, y माइनस में y1 बाय में m, और z माइनस z1 बाय में m।
हमें पता है कि ये एक लाइन की इक्वेशन है जो कि कौन से पॉइंट से पास हो रही है, एक्स वन वाई वन और जेड वन से पास होती हुई जा रही है। तो हम ये देखेंगे कि लाइन जो है इस कॉनिक सेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा कितने पॉइंट पर कट कर सकती है, ये हमें चेक करना है सबसे पहले। तो पहला आर्टिकल ये हो गया कि हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं एक लाइन के और एक कॉनिक सेक्शन के। तो चेक करते हैं, अब हमारे पास मान लो ये तीनों रेशियो क्या है, इक्वल है। मान लो ये जो रेशियो है वो के बराबर आ रहा है सपोज। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, एक्स वन प्लस एल के हो जाएगी, और y की वैल्यू हो जाएगी कितनी, वाई वन प्लस में एम के हो जाएगी, और यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी कितनी, जेड वन प्लस में एन के आ जाएगी, सही है। अब दोनों की इंटरसेक्शन अगर निकालनी है तो इंटरसेक्शन पॉइंट वो होंगे जो इस लाइन पर भी लाई करेंगे और एज वेल एज इस कोनिक पर भी क्या करेंगे, लाई करेंगे। यानी अगर हम एक्स वाई जेड इधर भी पुट कर दे तो ये वो एक्स वाई जेड है जो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर हम इसके अंदर यूज़ करेंगे यानी वो कोनिक पर भी लाई करेंगे तो हमें ये देखना है कि ऐसे कितने एक्स वाई जेड हो सकते हैं, यानी ऐसे कितने पॉइंट पॉसिबल हैं। तो x की जगह अगर हम वहाँ रखें तो क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर, दैट इज़ हमारे पास ए एक्स वन प्लस में एल के का होल स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, यानी वाई वन प्लस में कितना हो गया, एम के का स्क्वायर। और टू डी में ही बात कर रहे हैं तो टू डी में हमारे पास ये बन जाएगी, ज़रूरत ही नहीं है। प्लस में ही क्या हो गया, टू जी एक्स, एक्स की जगह हो गया एक्स वन प्लस एल के, टू एफ वाई, टू एफ वाई की जगह हो गया वाई वन प्लस में एम के, और हमारे पास क्या हो गया, टू एच एक्स वाई, दैट इज़ टू एच एक्स वन प्लस एल के इंटू में क्या हो गया हमारे पास, वाई वन प्लस में एम के प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये बन गया ए एक्स वन स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर के स्क्वेयर, और ये बन गया टू एक्स वन एल के, जहाँ पर एल एम एन जो है उसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं। ये हो गया हमारे पास बी वाई वन स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर के स्क्वेयर प्लस में हो गया टू एम वाई वन इंटू में के प्लस कितना हो गया हमारे पास, टू जी एक्स वन प्लस में टू जी एल के, और ये हो गया टू एफ वाई वन प्लस में ये हो गया टू एफ एम के प्लस में हो गया हमारे पास टू एच, और जब हम इसको सोल्व करेंगे एक्स वन वाई वन प्लस कितना हो जाएगा, एल के वाई वन प्लस एम के एक्स वन प्लस एल एम इंटू में क्या हो जाएगा, के स्क्वेयर प्लस कितना हो जाएगा, सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया, अब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए एक्स वन स्क्वेयर, ये अलग अलग कर देते हैं, ए एक्स वन स्क्वेयर बी वाई वन स्क्वेयर, ये हो गया प्लस में टू एच एक्स वन वाई वन प्लस में टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस में सी हो गया, ये हो गया हमारे पास। अब जो बची हुई टर्म्स हैं वो देखते हैं हमारे पास क्या बच गया है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, के स्केयर के टर्म्स उठाते हैं सबसे पहले, के स्केयर का जो कोफिशेंट है वो बन जाएगा ए एल स्केयर, के स्केयर का कोफिशेंट क्या बन जाएगा, बी एम स्केयर, और आई थिंक के स्क्वायर का कोफिशियंट हो गया कितना, टू एच एल एम, ये हो गया के स्क्वायर, आई थिंक और जगह के स्क्वायर नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास के स्क्वायर का। अब हम के का कोफिशियंट देखते हैं, तो जैसे हम के इसका देखेंगे कोफिशियंट के का, एक बार एल कॉमन ले लेंगे तो ये कितना बनेगा, टू ए एक्स वन, टू बी कॉमन ही आ गया आई थिंक, तो यानी बचेगा ए एक्स वन, और एल देखो और टू के देखो कहाँ पर बनेगा, टू के, और आई थिंक जी एल, तो यानी जी
इधर लिख लेते हैं, और एल देखते हैं हम कहाँ पर है। एल यहाँ पर भी है, टू के भी है, यानी हमारे पास कुछ एच वाई वन आ गया है। एच वाई वन प्लस इसी तरीके से एम और टू एम के, मतलब टू एम के, एम का देखें तो आई थिंक टू एफ यहाँ पर ही हो गया। टू बाहर ही निकाल रखा है, के भी बाहर निकाल रखा है, तो दिस इज़ क्या हो गया हमारे पास, आई थिंक एफ हो गया प्लस। और देखो एम का हम चेक कर रहे थे, आई थिंक के तो बाहर आ गया है। यहाँ पर क्या बच गया, एच एक्स वन प्लस में, और देखते हैं एम का कहाँ पर है, ये रहा, यानी बी वाई वन, ये हो गया बी वाई वन। इसी तरीके से ये हो गया हमारे पास, तो आई थिंक ये सारे कलेक्ट हो गए हैं। तो हमारे पास इन जर्नल यानी ये बन गया है, जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो कुछ ये फॉर्म आ गई है, के स्क्वायर ए एल स्क्वायर प्लस टू एच एल, सॉरी टू एच एल एम प्लस में बी एम स्क्वायर प्लस में टू के, और हमारे पास आ गया है ए एक्स वन बी वाई, सॉरी एच वाई वन, और प्लस जी आ गया था, और इनटू में आ गया था, ये था एल का कोफिशियंट, सेम यहाँ एम का कोफिशियंट था एच एक्स वन और बी वाई वन प्लस में एफ, ये एम का था, और प्लस में हमारे पास आ गया था ए एक्स वन स्क्वेयर बी वाई वन स्क्वेयर प्लस में टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस में टू एच एक्स वन और वाई वन प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो। एक बार के लिए हम इसको जो है नाम दे देते हैं एस वन, तो यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, एस वन आ जाएगा, मतलब इसकी जगह एस वन हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो के है, के अंदर जो है ये 2 डिग्री की इक्वेशन आ रही है, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा के की जो है वैल्यूज़ कितनी मिल सकती है, 2 वैल्यूज़ मिल सकती है हमें। तो अगर के की मैक्सिमम हमें 2 वैल्यू मिल सकती हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये के बराबर था, अगर के की 2 वैल्यू मिल रही हैं, मतलब एक्स वन ऑलरेडी फिक्स है, एल भी फिक्स है, वाई वन भी फिक्स है, एम भी फिक्स है, अगर के 2 मिल रहे हैं मतलब हमें एक्स और वाई 2 पॉइंट्स फिक्स मिल रहे हैं, यानी इन दोनों में कॉमन पॉइंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 2 ही पॉइंट हो सकते हैं। तो हमारे पास पहला आर्टिकल आ गया कि एक जो लाइन है और प्लस हमारे पास जो कॉनिक सेक्शन है उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे वो मैक्सिमम कितने होंगे, 2 होंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे 2। तो ये पहला आर्टिकल था कि एक लाइन कॉनिक सेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट पर कट कर सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल है, हमें किसकी इक्वेशन निकालनी है, टेंजेंट लाइन की, टेंजेंट लाइन की। तो हमें ये पता है कि टेंजेंट लाइन है, मान लो इस पॉइंट पर बात करें, जैसे हमने क्यू पॉइंट लिया था, मान लो उसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिए सपोज एक्स वन और वाई वन, तो टेंजेंट लाइन ये हो गई एक्स वन और वाई वन। तो एक्स वन वाई वन ऐसा पॉइंट है जो टेंजेंट लाइन पर भी लाई करेगा और एज वेल एज क्या करेगा, कॉनिक सेक्शन पर। तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और कॉनिक की इक्वेशन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई। अब हमें टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब ये थी हमारे पास एक लाइन जो है कट कर रही है 2 पॉइंट पर। अब जो मान लिया हमने यहाँ से पास करती हुई, मतलब एक्स वन और वाई वन से पास करती हुई, इस बार ये कोई भी ऑर्डिनरी लाइन नहीं है, इस बार हमने ले लिया कि ये जो लाइन है कैसी लाइन है, टेंजेंट लाइन है। तो टेंजेंट लाइन है कॉनिक सेक्शन को कितने पॉइंट पर कट करेगी, 1 पॉइंट पर कट करेगी। इसका मतलब के की वैल्यू 1 ही आनी चाहिए। के की वैल्यू 1 कब आएगी, जब दोनों वैल्यूज़ हमारे पास क्या होंगी, इक्वल होंगी।
यानी हमारे पास दोनों वैल्यू जो हैं वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मतलब जो के है ये सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है के के अंदर, तो इसके जो दो रूट्स आएंगे वो दोनों रूट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। किसके लिए? टेंजेंट लाइन के लिए। अब आल्सो एक्स वन वाई वन पिछली बार कोई ज़रूरी नहीं था कि हमारे पास कॉनिक सेक्शन पर लाई करे, लेकिन इस बार कंडीशन क्या है कि ये टेंजेंट लाइन पर मतलब इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये पॉइंट टेंजेंट लाइन पर भी है एज वेल एज कॉनिक सेक्शन पर भी। तो कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। यानी जब हम इस इक्वेशन में एक्स वन रखेंगे, एक्स की जगह वाई की जगह वाई वन रखेंगे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। इसका मतलब इस केस में हमारे पास जो एस वन है वो कितना आ गया? जीरो। तो यानी हमारे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा के स्क्वायर और ये हो जाएगा ए एल स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा टू एच एल एम, प्लस में हो जाएगा बी एम स्क्वायर, और प्लस हो गया हमारे पास टू के इंटू में क्या हो गया? ए एक्स वन प्लस में एच वाई वन प्लस में जी इंटू में क्या हो गया? एल हो गया, प्लस में एच एक्स वन प्लस में बी वाई वन और प्लस में क्या हो गया हमारे पास? एफ हो गया इंटू में एम इज इक्वल टू क्या हो गया? जीरो हो गया। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि इसका एक रूट तो डेफिनेटली यानी के की वैल्यू एक तो क्या आ रही है? जीरो ही आ रही है। डेफिनेटली ये हो गया के जीरो आ गया, एक रूट तो जीरो ही आ रहा है। ये हो रहा है। अब हम क्या कह रहे हैं कि टेंजेंट लाइन के लिए दोनों रूट्स को क्या होने चाहिए? इक्वल। यानी अगर एक रूट जीरो है, सपोज के वन जीरो है, तो दूसरा रूट जो के टू है वो भी क्या होगा? हमारे पास जीरो होगा। अब के वन भी जीरो है, के टू भी जीरो है, तो सम ऑफ रूट्स भी कितना होगा? हमारे पास जीरो होगा। यानी के वन प्लस के टू कितना होगा? जीरो होगा। तो के वन प्लस के टू अगर जीरो होगा तो हमें ये पता है कि अगर सेकेंड डिग्री की इक्वेशन ये हो आर स्क्वेयर प्लस में बी आर प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो, तो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस में बी होता है। तो इसका मतलब हमारे पास जो आर का कोफिशेंट है उसका नेगेटिव वो सम ऑफ रूट्स होता है। इसका मतलब हमारे पास माइनस में टू टाइम्स ऑफ किसका हो गया? माइनस में टू टाइम्स ऑफ ए एक्स वन प्लस में एच वाई वन प्लस जी इंटू में एल प्लस एच एक्स वन बी वाई वन प्लस एफ इंटू में एम, ये जीरो हो गया। ये माइनस टू इधर चला गया यानी ये जीरो हो गया। तो यानी हमारे पास ये आ गया ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस में जी इंटू में एल एच एक्स वन बी वाई वन प्लस में एफ इंटू में एम इज इक्वल टू जीरो। और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी? एक्स माइनस एक्स वन बाई एल और वाई माइनस वाई वन बाय में एम, दिस इज इक्वल टू हमने क्या लिया था? के लिया था। तो यहाँ पर हम एल की वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो एल हो गया हमारे पास के टाइम ऑफ क्या हो गया हमारे पास? के टाइम्स किसका हो गया? एक्स माइनस में एक्स वन। सेम ही के टाइम्स किसका हो गया हमारे पास? एच एक्स वन बी वाई वन प्लस में एफ इंटू में ही क्या हो गया हमारे पास? वाई माइनस में वाई वन इंटू में के क्या हो जाएगा हमारे पास? जीरो आ जाएगा। तो यानी इसको अगर हम सोल्व करें तो क्या बन जाएगा? के हट गया हमारे पास यहाँ से, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये बन गया ए एक्स एक्स वन प्लस एच एक्स वाई वन प्लस जी एक्स माइनस ए एक्स वन स्क्वेयर माइनस एच एक्स वन वाई वन माइनस एक्स वन जी, और हमारे पास और क्या बन जाएगा? आई थिंक सही है ये। और प्लस में क्या बन गया? एच एक्स वन वाई प्लस बी वाई वाई वन एफ वाई माइनस एच एक्स वन वाई वन माइनस में बी वाई वन स्क्वेयर, और हमारे पास क्या हो गया? माइनस में एफ वाई वन इज इक्वल टू कितना हो गया? जीरो हो गया। सही है, ये हमारे पास ये बन गया। तो क्या बन जाएगा हमारे पास?
अगेन एक्स वन वाला ही होगा, ए एक्स वन स्क्वेयर, और हमारे पास बी वाई वन स्क्वेयर, सही है, एच एक्स वन वाई वन, एच एक्स वन वाई वन, यानी माइनस टू टाइम्स माइनस बाहर निकाल, यानी क्या बन गया, टू एच एक्स वन वाई वन, सही है। और हमारे पास और क्या बन जाएगा, टू एच एक्स वन वाई वन, जी एक्स वन ये है, और हमारे पास और जी एक्स वन ये हो गया हमारे पास, ठीक है। एफ वाई वन है, और देखते हैं हम क्या चीज़ बनी है हमारे पास, यानी जो जो बनता है वो देखते हैं एक बार। माइनस यानी प्लस हो जाएगा, माइनस हम कॉमन ले रहे हैं तो प्लस एक्स वन इंटू में जी आ गया, सही है, प्लस एफ वाई वन आ गया, सही है, ये बन गया हमारे पास, और आई थिंक ये सही है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ए एक्स, ठीक है, और ए एक्स हो गया प्लस एच वाई वन हो गया प्लस जी हो गया, इनटू में क्या हो गया हमारे पास, सॉरी यहाँ एक्स वन एक्स, सही है, प्लस में क्या बन जाएगा नेक्स्ट, एच एक्स वन, सही है, प्लस एफ, और क्या बन जाएगा वाई का कोफिशेंट, और कहाँ पर है हमारे पास, आई थिंक एच एक्स वन हो गया, ये हो गया बी वाई, यही हो गया आई थिंक, बी वाई एफ हो गया, एच एक्स वन हो गया हमारे पास एफ वाई, और सॉरी प्लस का था ना, प्लस एफ, और ये कोफिशेंट किसका था, वाई का था हमारे पास, आई थिंक और चीज़ नहीं बच रही, इज इक्वल टू क्या था, जीरो। अब नाउ एक्स वन वाई वन जो है हमारे पास, जो पॉइंट्स थे वो किसके थे, ऐसे पॉइंट थे जो मतलब एक्स वन वाई वन जो थे, जहाँ पर हम टेंजेंट लाइन की बात कर रहे थे, तो एक्स वन वाई वन टेंजेंट लाइन पर है, इसका मतलब ये कॉनिक सेक्शन की पर भी लाई करेगा, तो यानी कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पर हम माइनस जी एक्स वन ऐड कर दें, सही है, और सबट्रैक्ट कर दें, सेम एफ वाई वन ऐड कर दें सबट्रैक्ट कर दें, सी ऐड कर दें सी सबट्रैक्ट कर दें, तो ये माइनस ए एक्स वन बी वाई वन स्क्वायर टू एच एक्स वन वाई वन बन गया, और माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो ये टू जी एक्स वन बन जाएगा, टू एफ वाई वन बन जाएगा, और प्लस में क्या बन जाएगा, सी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो, यानी जो इक्वल टू है वो किसके बराबर हो गया हमारे पास, आई थिंक ये बच गया जी एक्स वन, और प्लस में एफ वाई वन, और प्लस आई थिंक बच गया सी बच गया, और यहाँ पर कुछ बचा हो आई थिंक इतना ही बचे, यही हो गया, हाँ सही है कैलकुलेशन, तो हमारे पास ये बन गया, यानी इसको हम सोल्व कर रहे हैं तो ये बन गया, एक तो ये वाली टर्म्स आ गई, यानी ए एक्स वन एच वाई वन प्लस जी इंटू में एक्स, एक तो ये आ गई, ये बन गया ए एक्स वन एच वाई वन प्लस जी इंटू में क्या हो गया एक्स, सही है, और हमारे पास और क्या हो जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा एच एक्स वन बी वाई वन प्लस एफ बन गया इंटू में वाई प्लस जी एक्स वन एफ वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू क्या बन गया, जीरो। और जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए एक्स एक्स वन एच एक्स वाई वन प्लस में क्या बन जाएगा वाई एक्स वन प्लस में क्या बन जाएगा बी वाई वाई वन प्लस में जी एक्स प्लस में एक्स वन,
और ये बन जाएगा एफ वाई प्लस वाई वन प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो। अब इसको ये यानी ये जो इक्वेशन है वो किसकी इक्वेशन आ गई है, टेंजेंट लाइन की। अब इसको इसके साथ कंपेयर करो, ऑब्जर्व करते हैं हम कुछ चीज। ये हो गया टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस सी। इसका मतलब एक्स स्क्वायर की जगह तो हमें क्या कर देना है, एक्स एक्स वन, एक्स टू एक्स वाई की जगह एक्स वाई वन वाई एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स वन, वाई की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा वाई प्लस वाई वन, मतलब यहाँ टू एक्स की जगह सॉरी एक्स प्लस एक्स वन और टू वाई की जगह वाई प्लस वाई वन। यानी इसी इक्वेशन से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं किसकी, टेंजेंट लाइन की। तो ये किसकी इक्वेशन आ गई हमारे पास, टेंजेंट लाइन की। अब नेक्स्ट जो है हम इक्वेशन निकालेंगे किसकी, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। तो नॉर्मल लाइन की इक्वेशन के लिए हमें ये पता है कि टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन जो है आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर हमें ये तो पता ही है कि जो नॉर्मल लाइन आएगी वो भी इसी पॉइंट से पास होगी एक्स वन और वाई वन पर, क्योंकि हम इस पर क्या कर रहे हैं एक्स वन और वाई वन पर टेंजेंट लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो हमारे पास क्या होती है, नॉर्मल लाइन होती है उस पॉइंट पर। तो हमने क्यू के कोऑर्डिनेट क्या लिए हैं, एक्स वन और वाई वन। तो हम एक ऐसी लाइन निकाल लें जो एक्स वन वाई वन से तो पास हो रही हो, टेंजेंट लाइन के क्या हो हमारे पास, परपेंडिकुलर हो। तो हमें ये बताए कि हम एक लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं अगर इन पॉइंट से पास करती हूँ, तो उस लाइन की इक्वेशन होती है वाई माइनस में वाई वन इज इक्वल टू स्लोप एक्स माइनस में क्या होती है एक्स वन होती है। अगर किसी भी तरीके से स्लोप निकल जाए तो ऑब्वियस ये किसकी इक्वेशन बन जाएगी, नॉर्मल लाइन की बन जाएगी, नॉर्मल लाइन बन जाएगा। अब नॉर्मल लाइन के लिए कंडीशन ये है कि ये टेंजेंट लाइन के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। यानी टेंजेंट लाइन का स्लोप मान लो m1 है, नॉर्मल लाइन का स्लोप मान लो ये m2 है, तो दोनों की प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए, माइनस का वन होना चाहिए। यानी जो m2 है वो नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ क्या होना चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होना चाहिए। अब जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आई थी ये आ गई थी हमारे पास, तो इसका हम स्लोप निकालते हैं। स्लोप मतलब क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। तो डेरिवेटिव जब इसका हम करेंगे यानी m1 जो है इसका डेरिवेटिव हो गया टेंजेंट लाइन का, तो टेंजेंट लाइन का जब आप डेरिवेटिव करोगे आई थिंक ये आ जाएगा ए एक्स वन प्लस में क्या हो जाएगा एच वाई वन प्लस क्या हो जाएगा जी हो जाएगा, और बाय में क्या हो जाएगा एच एक्स वन प्लस में क्या हो जाएगा बी वाई वन प्लस में क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। तो m2 की वैल्यू कितनी आएगी, m2 इज इक्वल टू कितना हो गया एच एक्स वन बी वाई वन प्लस में कितना हो गया f, बाय में क्या हो गया ए एक्स वन प्लस में एफ बी सॉरी एच वाई वन प्लस में कितना हो गया g हो गया। तो m2 की वैल्यू जैसे ही इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये किसकी इक्वेशन बन जाएगी, नॉर्मल लाइन की। तो आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है कि एक लाइन जो है कॉनिक सेक्शन को दो पॉइंट पर कट करती है। सेकेंड हमने देखा कि टेंजेंट लाइन के लिए हमने कहा भी था कि वो एक ही पॉइंट पर कट कर सकती है, मतलब एक ही पॉइंट पर टच करेगी। तो जो वो के अंदर टू डिग्री की इक्वेशन आई थी, मतलब के की दो वैल्यूज़ की जगह हमें एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, यानी जो दोनों रूट्स हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो दोनों रूट्स इक्वल हैं। तो नेक्स्ट हमने क्या देखा था कि अगर रूट्स इक्वल हैं तो अब टेंजेंट लाइन थी, तो टेंजेंट लाइन की वजह से हमारा जो S1 था वो जीरो हो चुका था। S1 जीरो होने की वजह से एक रूट जो है वो जीरो आ गया था, बट टेंजेंट लाइन के लिए दोनों रूट्स इक्वल होते हैं यानी दूसरा रूट भी जीरो आ गया था। इसका मतलब हमारे पास सम ऑफ रूट जीरो हो गया था, सम ऑफ रूट मतलब नेगेटिव ऑफ कोफिशियंट ऑफ जो के है वो जीरो हो गया। तो वहाँ से हमने सिंप्लीफाई करके इक्वेशन निकाल ली किसकी, टेंजेंट लाइन की। अब हमें पता है कि टेंजेंट लाइन की जो परपेंडिकुलर होती है वो नॉर्मल लाइन होती है, तो एक पॉइंट से पास करती हुई लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं अगर हमें उसका स्लोप पता चल जाए। तो स्लोप हमें पता है कि नॉर्मल लाइन का क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। तो इसका यूज़ करके हमने किसकी इक्वेशन निकाल ली, नॉर्मल लाइन की। थैंक यू वेरी मच।